गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कारक का अध्ययन करेंगे। कारक क्या होते हैं, विभक्ति के द्वारा कारक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, विभक्ति का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या होती है, कर्ता, जो जिस वाक्य में क्रिया को करने वाला जो है वो कर्ता कहलाता है, जो काम कर रहा होता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे राम ने पढ़ा, तो काम किसने करा है, राम ने, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसका चिन्ह भी इस प्रकार से होता है कि जिन शब्दों में ने आता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्र है पढ़ती, छात्र पढ़ता है, तो यहाँ कौन पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, इसलिए छात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। एक छात्र है इसलिए छात्र है आया है, अगर दो होते तो छात्रों आता, और उधर पढ़ती की जगह हो जाता पढ़ते हैं द्विवचन, और अगर ढेर सारे होते तो छात्रहा आता, और क्रिया भी उसके साथ बहुवचन में ही हो जाती, अंती है ना, तो पठंती, छात्र पढ़ता है छात्र पढ़ती, दो छात्र पढ़ते हैं छात्रों पढ़ते हैं, बहुत ढेर सारे छात्र पढ़ते हैं छात्रहा पठंती। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जिन भी शब्दों में ने आता है वहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में सेकंड है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम कब करते हैं, जिस वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जैसे मनन है वृक्षम पश्यति, मनन वृक्ष को देखता है। को, अब जिस भी शब्द में को आता है, अब मनन क्या कर रहा है, काम कर रहा है देखना, बट किसको देख रहा है, वो पेड़ को, तो पेड़ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगेगी। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मनन वृक्ष को देखता है, तो मनन है वृक्षम पश्यति। तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग कब होता है, इसका कारक है करण, जब जिस भी शब्द में से या द्वारा आता है। जैसे अहम कलमेन लिखामि, मैं कलम से लिखता हूं, कलम के द्वारा लिखता हूं, इसलिए कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब वहां पर कर्ता क्या है, अहम मतलब मैं, इसलिए क्रिया भी लिखामी आई है। प्रथम उत्तम पुरुष का एक वचन है अहम, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष का एक वचन होगी। हमेशा याद रखिए क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगती है। अगर कर्ता एक वचन है प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष होगी। अगर क्रिया द्विवचन उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी द्विवचन उत्तम पुरुष होगी। अगर आप कर्ता के साथ क्रिया गलत लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, पूरा वाक्य गलत हो जाता है। अगर एक वचन है कर्म तो कर्ता, तो क्रिया भी एक वचन ही प्रयोग होगी। तृतीय विभक्ति कब प्रयोग करते हैं, जब जिस शब्द में जिस क्रिया के करने के साधन को करण कहते हैं, तो जो क्रिया करी जा रही है उसका जो साधन है उसको, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर मैं कलम से लिखता हूँ, तो किससे क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कलम के द्वारा, इससे कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब आज हम सिर्फ तृतीय विभक्ति तक इस वीडियो में सीखेंगे, इसके आप लर्न करेंगे, इसको
इस तरीके से कर्ता ने कर्म को करण से, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अगर ये आपको अच्छे से याद हो गया तो आपका कभी भी वाक्य गलत नहीं होगा, आपको पता होगा कि कहाँ पर प्रथमा, कहाँ द्वितीया और कहाँ तृतीया वाक्य में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे।